नमस्कार, जनसारथी न्यूज में आपका स्वागत है। एक ऐसी खबर पर हम बात करने जा रहे हैं जो आपको भी ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि किसी अनजान व्यक्ति की मदद की जाए या ना की जाए। जज की कार से बेहोश व्यक्ति को हॉस्पिटल भेजने पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े छात्रों पर डकैती का केस दर्ज करने के खिलाफ विद्यार्थी परिषद ने अब ग्वालियर के साथ ही प्रदेश भर में चरणबद्ध आंदोलन शुरू कर दिया है। एबीवीपी के छात्रों ने माधव कॉलेज पर तालाबंदी की, तो वहीं एक दिन पूर्व जीवाजी विश्वविद्यालय में शांति मार्च भी निकाला। इनका कहना है कि मानवता के लिए किसी व्यक्ति की मदद करने पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है वो पूरी तरह से गलत है। जिस प्रकार से हमको ध्यान में है कि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक अनजान व्यक्ति की जान बचाने के लिए जो प्रयास किया गया उसको कहीं ना कहीं सहारने की जगह उन पर डकैती का एक झूठा प्रकरण दर्ज किया गया है, उसके विरुद्ध में हम ये आंदोलन निरंतर चल रहा है। हमने प्रदेश भर में चरणबद्ध आंदोलन करने का ऐलान किया है और इसको लेकर कल जीवाजी विश्वविद्यालय के सामान्य छात्रों के द्वारा एक मौन न्याय यात्रा निकाली गई है और इस विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता पे जो झूठा प्रकरण दर्ज हुआ है उसको लेकर युवा और छात्रों में भी आक्रोश है। आज कल जीवाजी विश्वविद्यालय में, आज माधव कॉलेज में हमारा एक घंटे के लिए सामान्य छात्रों के द्वारा कॉलेज बंद किया गया है। समर्थन में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता क्या है, साइंस कॉलेज में भी होगा। आज कई कॉलेज में हस्ताक्षर अभियान विरोध में एवं न्याय दिलाने के लिए चलाया जाएगा। जिला केंद्रों पर बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल में भी आज सांकेतिक प्रदर्शन किया जाएगा। ऐसे लगभग प्रत्येक जिले में आज सांकेतिक प्रदर्शन करके न्याय की मांग विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता के लिए की जाएगी। जनसारथी न्यूज में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।